होगा और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा और काम मिलेगा। इसलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। बिहार में भर्ती के इंतजार कर रहे लाखों युवाओं और छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। आखिरकार दोस्तों बिहार में बहाली की सिलसिला चालू हो चुका है, उसी क्रम में आज एक नई बहाली आई है, यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यानी कि राजस्व भूमि सुधार विभाग की तरफ से 10,101 पदों पर एक नई बहाली निकल कर आ रही है, जिसके रिगार्डिंग इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में तक बने रहे, अगर आप भी बिहार से स्नातक पास कर लिए हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। चलिए, कब से भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी, कब से यानी कि ऑनलाइन जो अप्लाई का डेट रखा गया है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और लाइव प्रूफ नोटिफिकेशन जारी किया है उसको देख लेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों हम आपको जानकारी के लिए बताते हैं, आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा और कहाँ से ऑनलाइन अप्लाई करना है उसका लिंक कहाँ से मिलेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है जो कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जिसे उस पर क्लिक करेंगे तो www.ag2net की वेबसाइट पर चलेंगे और इस भर्ती से जुड़ी सारा जानकारी इसमें समझाएगा, अच्छी तरह से हिंदी भाषा में बताएगा। अगर आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो चलिए हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखलाते हैं और उसके माध्यम से हम आपको बताते हैं। ठीक, स्क्रॉल डाउन जैसे करेंगे ऊपर की सारा जानकारी दिया गया, जो भी ऑनलाइन की प्रक्रिया है यानी कि 13/4/2023 यानी कल से शुरू कर दिया जाएगा। आप यहाँ से आवेदन करने हैं तो आवेदन करने से पहले आपको एक बार नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, वीडियो में तक बनेगा, सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। ठीक है, सारा जानकारी दिया गया यानी कि जो एप्लीकेशन फी का दिया गया है जनरल EWS OBC के लिए यानी कि 800 रुपया लगा और SC और ST और PH के लिए 400 रुपया लगा, जो कि ऑनलाइन कर दिया। चलिए हम आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखलाते हैं और कैसे उसमें सारा जानकारी दिया गया उसमें बताया दोस्तों। ऑनलाइन अप्लाई का डेट दिया गया यानी कि 13/4/2023 यानी कल से इसका शुरू कर दिया जाएगा। तो नोटिफिकेशन जो दिखलाई दे रहा है क्लिक हेयर का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन डाउनलोड जो कि इस प्रकार दिखलाई दे रहा। ठीक है, चलिए अब नोटिफिकेशन के माध्यम से समझते हैं और आगे की प्रक्रिया। तो आप देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखलाई, जो कि राज्य से भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार द्वारा यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। दिनांक की बात करें तो 11/4/2023 को यानी कि नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। इसके बारे में समझते हैं और कौन कौन से पदों पर कितना भर्ती आगे किया योग्यता रखा गया इसमें बताएगा। देख सकते हैं बताएगा पद नाम और पद कोड, पदों की संख्या और पदनवार और मानदेय शैक्षणिक योग्यता इसमें जानकारी दिया गया। आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा अगर आपको फुल नोटिफिकेशन पढ़ना है तो। ठीक है, चलिए शॉर्टकट तरीके से हम समझेंगे और आप भी समझिएगा। बताएगा देख सकते पहली पद की बात करें तो पद कोड दिया गया 1 और समूह का नाम दिया गया। बताएगा पद पाला का बात किया गया विशेष संरक्षण सहायक और बंदोबस्त पदाधिकारी के जो पद रखा गया यानी कुल रिक्तियां रखा गया 355 रखा गया। ठीक है, यानी जो भी पद पहला पद हो गया विशेष संरक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का 355 पद रखा गया और इसमें पदों की संख्या यानी कैटेगरी वाइज बात दिया गया कौन से कैटेगरी में कितना यानी कि पद रखा गया। अगर UR कैटेगरी से आते हैं तो 145 है, अगर SC कैटेगरी से आते हैं 57 है। इसी तरह देख लीजिएगा आप कौन से कैटेगरी से आते हैं और कितना सीट रखा गया कौन से कैटेगरी में। ठीक है, मानदेय की बात करते हैं, मानदेय आपको 59,000 मिलने वाला है, 59,000 मानदेय मिलेगा बताया गया यानी कि 52,250 रुपया यानी EPF और ESI का जो अनुसंधान है यानी कि 2,797.50 रुपये आपका कट लिया जाएगा और साथ साथ मोबाइल लैपटॉप इंटरनेट व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 4,000 रुपया प्रतिमाह 12 माह के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, मोबाइल और लैपटॉप के लिए जो भी यानी खर्च आता है उसके लिए 4,000 रुपया मिलेगा और आपको योग्यता क्या रखा गया देख सकते हैं, न्यूनतम योग्यता और अर्हता क्या रखा गया बताएगा। AICTE से मान्यता प्राप्त था, संबंधित राज्य के SBT से पंजीकृत संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग के स्नातक एवं 2 वर्ष के सरकारी एवं निबंधित गैर सरकारी संस्थानों में कार्य का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए। अगर आप ये सारी एलिजिबिलिटी है आपके अंदर तो आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं इस पद के लिए यानी विशेष संरक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी आपने यानी कि जो इंजीनियरिंग का 2 साल का कोर्स किया है जो किया है यानी उसका जो मान्यता प्राप्त जिस भी कॉलेज से किया है उस पर AICTE से मान्यता प्राप्त था, संबंधित राज्य के SBT से पंजीकृत संस्थानों से ही होना चाहिए। आप देख लीजिएगा अपने जो भी सर्टिफिकेट है आप देख लीजिए एक बार अच्छी तरह से। ठीक है, और साथ साथ जो सरकारी है नहीं तो निबंधित गैर कार्य का 2 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, ये होगा पहला पद के लिए और दूसरे पद की बात करें जैसे विशेष संरक्षण कानून का जो पद रखा गया है कुल रिक्तियां रखा गया 758 रखा गया यानी दूसरा पद के विशेष संरक्षण कानून का 758 है, उसका कैटेगरी वाइज देख लीजिए कितना कैटेगरी में कितना सीट रखा गया यानी SC में 135, ST में 7 रखा गया, EBC में 127 और BC में 91 रखा गया। ठीक है, इसका जो मानदेय आपको मिल रहा है मानदेय मिलने वाला जिसमें आप EPF और ESI का जो अंशदान है 2,797 रुपया यानी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मोबाइल लैपटॉप इंटरनेट के व्यय की प्रतिपूर्ति यानी 4,000 रुपया प्रतिमा 12 माह के लिए किया गया है
उसके बाद एजुकेशन को बात किया तो देख सकते वही सेम है, एएसटी से मान्यता प्राप्त था संबंधित राज्य के एसबीटी से पंजीकृत संस्थान से 3 वर्षीय सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा एवं 2 वर्ष के सरकारी निबंधित एवं गैर सरकारी संस्थान में कार्य का न्यूनतम अनुभव होना चाहिए। यानी कि आपको यानी कि अर्हता रखा गया है जो न्यूनतम योग्यता आता है यानी ये रखा गया, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ आपके अंदर है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आवेदन करना चाहते हैं। इसी तरह देख लीजिएगा कौन से पदों के लिए कितना रखा गया, ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नहीं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है और जो पोर्टल का वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। इसमें बताया गया, ठीक है, ये हो गया भर्ती का। बताया जैसे चौथे नंबर बताया विशेष सर्वेक्षण लिपिक के जो कुल पद रखा गया 744 रखा गया और कैटेगरी वाइज बांट दिया कितना कैटेगरी में कितना सीट रखा गया, जिसमें आपको प्रति माह आपको जो सैलरी मिलेगा 25,000 रुपया आपको मिलने वाला है। अगर आप मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्थान स्नातक का डिग्री है आपके पास यानी स्नातक पास कर लिए हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं विशेष संरक्षण लिपिक के लिए, ठीक है। ये हो गया पद का नाम। अगर आप यानी कौन से पद पे कितना यानी सीट रखा गया और मानदेय आपको कितना मिलेगा और योग्यता अर्हता क्या रखा गया, और चलिए यानी इसका डेट के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं यानी कौन कौन से डेट रखा गया है यानी कब तक आप ऑनलाइन आवेदन कर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं बताया गया लास्ट में ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां दिया गया है। सबसे पहले बात की ऑनलाइन आवेदन भरने की परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रारंभ तिथि जो होगी यानी 13/4/2023 से स्टार्ट कर दिया जाएगा, 13/4/2023 से आपका शुरू कर दिया यानी कल से इसका जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है वो भरना शुरू कर दिया जाएगा। और उसका लास्ट डेट की बात कर दे सकते हैं अंतिम तिथि दिया गया है 12/5/2023 यानी कि 12 मई 2023 तक आप इसका लास्ट डेट रखा गया यानी कि ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट डेट का इंतजार मत करिएगा, जैसे शुरू हो जाएगा 2 या 3 दिन के बाद आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आपके पास यानी एलिजिबिलिटी इतना है आप आवेदन करना चाहते हो तो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। वही बात के आदेश आवेदन द्वारा आवेदन भरने हेतु परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु चालान डाउनलोड करने की अंतिम तिथि जो रखा गया 10 मई 2023 तक रखा गया, ठीक है। अगर आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र सुधारने की एडिट भी करने का भी ऑप्शन दिया, अगर आप ऑनलाइन भरने गए थे किसी कारणवश यानी गलती हो गया है किसी नाम में किसी फादर नेम में मदर नेम में तो आप उसका सुधार भी कर सकते हैं। इसका भी तिथि जारी किया जाएगा 18/5/2023 से लेकर 20/5/2023 यानी 2 दिन का समय मिलेगा जो कि 18 से लेकर 20 मई तक आप ये सुधार करवा सकते हैं, ठीक है। अब आपको हो गया यानी कि एडमिट कार्ड और जो भी प्रोपोज डेट ऑफ सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड डेट का जो सूचित किया जाएगा विभाग की तरफ से कि कब आपका एग्जाम होगा, ठीक है, आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा विभाग की तरफ से, इसके लिए जानकारी दिया जाएगा, ठीक है। सारा जानकारी देख सकते छठे नंबर बताएगा अपूर्ण रूप से भरा गया ऑनलाइन आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा, अगर आपका आधा अधूरा अगर फॉर्म भरते हैं तो आपको अस्वीकृत कर दिया जाएगा, ठीक है, जो भी अपने फॉर्म है। सातवें नंबर बताएगा जैसे ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाओं को ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा सीबीटी के चयन करने की प्रक्रिया के अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए प्रमाण पत्र अंक पत्र एवं अन्य वंचित अभिलेखों को मिलान करने के क्रम में किसी प्रकार के त्रुटि पाए जाने पर उनकी जो भी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाए, ठीक है। यानी जो भी अपने ऑनलाइन आवेदन भरते समय यानी कि अपना ऑनलाइन अप्लाई करते समय जो भी यानी कि मार्कशीट यानी जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे उसके अंतर्गत यानी कि जो भी आपका एग्जाम होगा उसमें वेरीफाई किया जाएगा, अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है एरर आती है तो आपका उम्मीदवारी जो होती है रद्द कर दी जाएगी, इसमें सारा जानकारी दिया गया, ठीक है। आठवें नंबर बताया जैसे ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड डेट यानी सीबीटी में सफल उत्तीर्ण अभ्यर्थी के मूल अभिलेखों की जांच ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचनाएं अपलोड किए गए अभिलेखों से मिलान के क्रम में गलत पाए जाने पर उम्मीदवार रद्द कर दी जाएगी, साथ ही उनके विरुद्ध कानून कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। ये सारा जानकारी देगा तो इस चीज बच कर रहिएगा, ठीक है, ऐसा गलती मत करिएगा। नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके।